मैं अपने खेत में बाजरा लगाता हूँ, ज्वार लगाता हूँ, मक्का लगाता हूँ, रागी लगाता हूँ, और इन्हीं को जो है हम प्रोसेस करके लोगों को तो देते हैं। विदेशी भी हमारे पास आते हैं सर खेतों में इसको खाने के लिए। तीन देश के लोग हैं जिनका रुचि बढ़ रहा है। अमेरिका के लोग हमारे पास आए हैं सर, सूरीनेम से जो है सूरीनेम से वहाँ के सांसद हमारे पास आए थे सर इसके बारे में जानने के लिए, बातें करने के लिए, और उन्होंने हमारे पास इसका स्वाद चखा और बहुत अच्छा लगा। पहले जब ऐसी कोई वैरायटी आती थी और सुनते थे तो स्वीकार कर लेते थे कि कोई बगल वाला खेत वाला करे, जरा पहले दूर से देखे यार ठीक हो रहा नहीं रहा फिर हम करें। 10 सालों में ना किसान सर चना, गेहूं और धान इन फसलों में जा रहे थे, लेकिन आज अवेयरनेस आ चुकी है, आपका भी सपोर्ट है। समय कितना बच रहा है तो इसको अगर हम टाइमली जून के महीने में हम उगा देंगे तो ये जल्दी जर्मिनेट होके और 70 दिन में तैयार हो जाएगा। तो बारिश जब ज्यादा आती है उस समय तक ये कट के किसान के घर आ जाता है। जैविक खेती के कारण खर्च कम हो रहा है, खर्च कम हो रहा है, इसकी चर्चा किसानों में है क्या? है जी, है जी। जैसे जो किसान की फैमिली में पैदा हुआ है वो तो लोग कर ही रहे हैं, लेकिन जो लोग किसानों की फैमिली में नहीं पैदा हुए और शहर में रहते हैं वो लोग भी लीज पर जमीन लेकर के इस ऑर्गेनिक खेती को कर रहे हैं। मैं प्रोसेसिंग करके पैकेजिंग करके सर जैसे अपना मिलेट्स के बिस्किट हैं, नमकीन है, आटा है, तो ये सारे सर मैं इसमें तैयार करती हूँ। तैयार करके जब किसानों को सर इससे लाभ भी हो रहा है क्योंकि उन्हें जो है पैसा भी ज्यादा मिल रहा है,